मैं तो शुरू को तो शुरू वो बोलते हैं, मैं सौरभ हूँ। मैं भी सौरभ हूँ। और हम बात करने वाले हैं एक और सीएम पद के दावेदार छत्तीसगढ़ में थे, चरण दास महंत की सीट के बारे में, जो कि जांजगीर चंपा से सख्ती सीट से लड़े थे। अच्छा। और इस सीट की बात करें तो चरण दास महंत की बात करें तो वो सांसद हुआ करते थे और पिछली बार 2014 में 2012-2014 तक कृषि मंत्री, कृषि राज्य मंत्री भी रहे थे, मगर 2014 में जो मोदी लहर थी उसमें ये चुनाव हार गए थे करीब 4000 वोटों से, कोरबा से लड़े थे। तो काफी क्लोज रहा, काफी क्लोज रहा था। और मतलब ये चर्चा रही कि इतनी भयानक लहर के बावजूद वो सिर्फ 4000 वोटों से हारे। तो इस बार उनको मेघाराम साहू चैलेंज कर रहे थे और पहली बार ये विधायकी का चुनाव लड़े हैं। हाँ, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश जब था, जब अविभाजित, क्योंकि 2000 में छत्तीसगढ़ बना, उससे पहले मध्य प्रदेश में विधानसभा लड़े भी हैं, जीते भी हैं, मंत्री भी रहे हैं, वहीं से प्रोफाइल बिल्ड हुआ। 1998 में कहा जाता था क्योंकि ये बड़े नेता थे, अच्छी जान, मतलब अच्छी पहचान, अच्छी पकड़ थी, तो दिग्विजय सिंह ने इनको 1998 में लोकसभा भिजवा दिया था, ऐसा चर्चा थी इनके बारे में, क्योंकि वो उनको चैलेंज कर रहे थे। और ये ट्राइबल लीडर हैं। हाँ, एकदम ट्राइबल लीडर हैं और अच्छी होल्ड है, इसी लिहाज से इनको उतारा गया कि मान लीजिए कि टीएस बाबा, भूपेश बघेल वाला फैक्टर आपस में लड़न भिड़न रही, तो राहुल गांधी ये तय करते हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री। हाँ, और खास बात ये कि गांधी परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं, इनकी अच्छी वहाँ पे जो जो वहाँ उनका आभा मंडल है उसमें अच्छी इनकी पकड़ है, तो उसका फायदा शक्ति की सीट पर, शक्ति की सीट पर अगर देखें तो ये थोड़ा किसान वाला, मतलब खेती किसानी वाला इलाका है, तो फिर तो यहाँ तो वो एमएसपी और कर्ज माफी को हिट हुआ होगा। यहाँ मेरी किसानों से ही ज्यादातर बात हुई, तो उसी के लिए नाराज थे कि हमसे वादा किया गया था कि 5 साल पूरा बोनस मिलेगा, तो पहले दूसरे साल तो मिला, तीसरे चौथे साल गोल हो गया, मतलब 5 में से 3 साल में मिला है बोनस, 2 साल नहीं मिला, और जितना प्रॉमिस किया था उतना उतना नहीं मिला। हाँ, बोनस एमएसपी की बात करो 1750 मिला, 2100 का वादा था, तो वो उस चीज को लेकर बड़ा मुखर थे और इस सीट के लोगों को भी लग रहा था कि हम एक संभावित मुख्यमंत्री या मंत्री तो चुन ही रहे हैं, वैसा कुछ। बिल्कुल, इस बार अगर आप देखें तो पिछले जो प्रत्याशी थे वो दोनों ही बदले हुए हैं। हाँ, भाजपा ने पिछली बार ये सीट जीती थी, डॉक्टर खिलावन साहू ने, और लगभग 8-9 हजार के मार्जिन से जीती थी, लेकिन टिकट बदला, मेधाराम साहू को उतारा, और कांग्रेस ने भी सरोज राठौर की जगह चरणदास महंत को उतारा। इनका जो एक नेगेटिव एस्पेक्ट था जो मान रहा था कि शायद कहीं हार ना जाए, तो वही था कि इनके साथ भी वही दिक्कत कि सांसद हैं, बड़े नेता रहे, तो ये भी क्षेत्र में नहीं रहते, विधायक की भी नॉर्मली एक्सपेक्टेशन नहीं रहती कि क्षेत्र में रहे आदमी, तो ये भी रायपुर और दिल्ली वाला चक्कर था, और वो ठीक भी था क्योंकि वो मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं। लहर होती है तब ये सब चीजें, तो मतलब थोड़ी बहुत चिरपुरी तो आपको सुनाई देगी, 29,500 से जीत गए हैं, अच्छे मार्जिन से जीते हैं, दावेदारी, अब सीएम की रेस में अब ये भी दौड़ लगाने शुरू होंगे, लाइन में आ गए होंगे। अच्छा, अब आप भी दौड़ लगाइए क्लोजिंग की। दौड़ क्या लगानी है, ये चरण दास महंत के बारे में हमने बताया, उनकी सीट के बारे में बताया, ऐसे ही और सीट्स के बारे में आपको बताते रहेंगे, आप देखते रहिए dlllntop.com। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके अलावा dlllntop की ऐप प्ले स्टोर पर है, उसे डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर डाउनलोड कीजिए। एक रौनक बहन की किताब है सीक्रेट, तो उसमें कहा जाता है कि अगर तुम्हें आम खाना है, है ना, तो बोलो मुझे आम मिल जाए, मुझे आम मिल जाए, ऐसे मत बोलो यार आम नहीं मिलेगा तो क्या होगा, जैसे ही आपकी विश में नहीं आ जाता है ना, नेगेटिविटी आती है। तो ये अगर एग्जाम दिया है तो कहो यार मैं पास हो जाऊं, मैं सिलेक्ट हो जाऊं, मैं सिलेक्ट, ये नहीं यार मैं फेल ना हो जाऊं, यार मैं फेल ना हो जाऊं, हाय मैं फेल होने से बच जाऊं, नहीं से बचना चाहिए। तो ये मत कहिए कि एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर ले, करिए ही, करना ही है, आप ही के लिए बना है, करना ही होगा। शुक्रिया शुक्रिया।